नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज संसदीय शासन प्रणाली के एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहां पर पूर्व में एक दो लेक्चर और लिए जा चुके हैं, जिसमें हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और विधि निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा किया हुआ था। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बजट के संदर्भ में देखेंगे कि क्या व्यवस्थाएँ हैं, बजट निर्माण कैसे होता है और बजट को पारित करने की क्या बेसिक व्यवस्थाएँ और प्रावधान हैं। तो बजट के संदर्भ में हम सबसे पहले तो एक उसके सामान्य परिचय को देखने का प्रयास करेंगे कि बजट वास्तव में फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजट से जो है बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। बेसिकली जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उस समय सरकार की समस्त प्राप्तियां और व्यय, इन सभी चीज़ों को एक करके उसे एक चमड़े के थैले में प्रस्तुत किया गया था। और उस चमड़े के थैले के लिए फ्रांसीसी जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें जो है बुजट शब्द लिया जाता है वहाँ से। तो इसलिए उसी के तर्ज पर उस पूरी प्राप्ति और व्यय के समुच्चय को जो पेश किया गया बजट में, उसे सदन में उसे बजट कह दिया गया। यद्यपि संविधान में बजट शब्द का नहीं उल्लेख किया गया है और उसके स्थान पर अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण की बात जो है कही गई है। तो इस तरीके से एक चमड़े के थैले जिसमें बजट को प्रस्तुत किया गया था, प्राप्ति और व्यय को प्रस्तुत किया गया था, उसी के नाम पर उसे बजट शब्द कह दिया गया, जो कि फ्रांसीसी भाषा के शब्द बुजट से निकला हुआ है। तो इस तरीके से वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है व्यवस्था किया गया है। और इसके बारे में एक और रिसेंट में जो प्रावधान किए गए उसको भी देख लेना आवश्यक है कि बेसिकली पूर्व में बजट को एक ही रूप में जो है मिलाकर प्रस्तुत किया जाता था, जिसका जो है एक वर्ष कमिटी की रिकमेंडेशन के आधार पर एक वर्ष कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने 1921 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1921 ईस्वी में प्रस्तुत किए गए इस रिपोर्ट के बाद 1924 ईस्वी से बजट को आम बजट और रेलवे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन हाल फिलहाल में 2017 से अगर देखा जाए तो 2017 से जो है बजट का जो है विलय कर दिया गया और ये पुनः जो है बजट एक रूप में जो है अब वर्तमान समय में जो है प्रस्तुत किया जाने लगा है। तो इस तरीके से बजट के संदर्भ में एक सामान्य परिचय हो गया कि बजट वास्तव में प्राप्ति और व्यय का जो है एक समुचित रूप होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में सदन में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निश्चित की गई कि जो बजट को जो है सदन में प्रस्तुत करवाएंगे और बजट वर्तमान समय में विलय कर दिया गया, जो कि 2017 से एक रूप में ही जो है प्रस्तुत किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है उल्लेख किया गया है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष बजट के रूप में रखा जाएगा। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है और इसमें प्राप्तियां और व्यय सरकार के इन दोनों भागों को इसमें शामिल किया जाता है बजट के अंतर्गत। तो बजट में ये बातें होती हैं। और जब हम ये देखते हैं कि धन विधेयक, जैसा कि पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि धन विधेयक को कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये उल्लेख किया गया है अनुदान की कोई भी मांग जो है वो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर नहीं रखा जाएगा। तो उसका तात्पर्य ये होता है कि वो धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका की चर्चा हम लोग वहाँ पर देखते हैं। क्योंकि जब हम अध्ययन करते हैं किताबों का और इस तरीके से वैराइटी का, तो वहाँ पर अनुदान की मांगों की चर्चा की गई है। मांगें जो होती हैं विभाग से, कार्यालय से मिलाकर जाती हैं और जो मांग पर चर्चा होता है और मतदान के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो ग्रांट बन जाता है, अनुदान बन जाता है। तो इस तरीके से संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत हम लोग यही देखेंगे कि 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये दायित्व दिया गया है कि वो बजट से संबंधित जो प्रावधान है उसके अंतर्गत प्राप्ति और व्यय को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में सदन में रखवाएंगे। अब हम बात करते रहे हैं बजट के मद के बारे में। बजट बेसिकली प्राप्ति और व्यय इन दोनों से मिलकर के बना होता है, उसमें प्राप्तियां भी होती हैं और व्यय होता है। प्राप्तियों के अंतर्गत तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में अगर देखा जाए, राजस्व प्राप्तियों में जो है कर राजस्व होता है और गैर कर राजस्व होता है। अब इसमें कर राजस्व में जो है प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हो गया। और इसी तरीके से अगर पूंजीगत देखा जाए तो इसमें जो है सरकार के द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं, सार्वजनिक ऋण है, अन्य ऋण है, और सरकार के द्वारा जो भी इस तरीके की जो है
मत से धनराशियां आती हैं, जो भी इसके अंतर्गत प्राप्तियां होती हैं वह सब पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में मानी जाती हैं। इसी तरीके से प्राप्तियों के साथ साथ जो है अगर व्यय को देखा जाए तो वो भी जो है राजस्व और जो है पूंजीगत इन दोनों ही भागों में जो है बटा होता है। जैसे प्राप्तियां होती हैं वैसे जो है इसका व्यय भी होता है। राजस्व व्यय बेसिकली अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए जो खर्चे आते हैं और जिनसे किसी भी प्रकार की प्राप्ति सामान्यतः नहीं होती है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। सामान्य प्रशासन को संचालित करने के लिए, अधिकारियों के वेतन इत्यादि को देने के लिए और कार्यालय के सामान्य खर्च को चलाने के लिए, ये सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से पूंजीगत जो व्यय होता है उससे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को, किसी प्रकार की योजना का निर्माण किया जाता है जिससे सरकार को बाद में प्राप्तियां भी होती हैं, इससे पूंजी का निर्माण भी होता है। पूंजीगत व्यय इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई सड़क का निर्माण किया गया, किसी प्रकार की बिल्डिंग का निर्माण किया गया तो उससे बाद में सरकार को प्राप्तियां भी होती हैं, तो वह जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहाँ पर एक योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय का आता है। योजनागत व्यय इसी पूंजीगत व्यय के ही एक प्रकार होता है और इसके द्वारा कुछ ऐसे कंक्रीट जो है निर्माण, कंक्रीट जो है योजनाओं का क्रियान्वयन होता है जिससे सरकार को बाद में प्राप्तियां होती हैं। जबकि राजस्व व्यय के रूप में जो है सरकार ऐसे खर्चे करती है जिससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। इसके अंतर्गत जैसे सामान्य प्रशासन को संचालित करना, देशी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए जो है खर्च आते हैं उससे भी कोई प्राप्तियां नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जैसे प्राप्तियां होती हैं वैसे ही जो है व्यय का हिस्सा होता है। ये सब जो बजट के एक मद के रूप में जाने जाते हैं। बजट के जो है मद के अंतर्गत एक और चीज इंपॉर्टेंट है, प्राप्ति और व्यय के साथ साथ अगर बजट में देखा जाए तो बजट में तीन और चीजें बताई जाती हैं। एक तो बजट में गत वर्ष, जैसे हम वर्तमान समय का अगर उदाहरण लें तो 20 और 21 ये है। अब अगर फरवरी, जैसे इसमें फरवरी माह में 21 में जो फरवरी अभी बजट सत्र हुआ है और बजट प्रस्तुत किया गया है तो ये देखा जाए कि ये बजट जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो सत्र 20 और 21 में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन ये 21 और 20 के लिए बजट है। 21 और 22 के लिए बजट है, यानी कि अप्रैल से जो प्रारंभ होगा, अप्रैल से जो सत्र प्रारंभ होगा उसके लिए बजट प्रस्तुत यहां पर किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? ये 20-21 के ही सत्र में किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए बजट पहले ही प्रारंभ प्रस्तुत किया गया था जो वर्तमान समय में रनिंग में चल रहा है। तो यहां पर जो बजट फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाएगा वो इसके लिए होगा, और यहां पर जो बजट है वो पहले ही यहां पर जब हम थे फरवरी माह तभी प्रस्तुत कर दिया गया था जो वर्तमान समय में हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर जब हम हैं तो बजट इसी फरवरी में, 21 के फरवरी में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन वो 21 और 22 के सत्र के रूप में अगली बार के लिए जाना जाएगा। तो यहां पर हम पिछली माह, पिछली वित्त वर्ष यानी कि ये 19 और 20, इस तरीके से तीन वर्ष का खाका भी वहां पर एक साथ बजट में दिखाई पड़ता है। हम बजट में यहां फरवरी माह में होते हैं, फरवरी माह में होते हैं, जो 21 का फरवरी माह होगा वहीं पर बजट जो है प्रस्तुत होगा, लेकिन ये बजट प्रस्तुत किया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष के लिए। और इस वित्तीय वर्ष में जो चूंकि ये पूरे के पूरे आंकड़े को हम लोग प्राप्त कर चुके होते हैं और इसके लिए प्राविधानित किए गए जो है बजट को हम खर्च कर चुके होते हैं, तो इसके वास्तविक आंकड़े, इसके जो है वास्तविक आंकड़े यहां पर आ जाते हैं और इसके जो है अनुमानित, संशोधित अनुमान इसको कहा जा सकता है, संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते हैं, संशोधित अनुमान इसका प्रस्तुत करते हैं। और ये इसके लिए तो हम बजट प्रस्तुत ही कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जो भी पूर्वानुमान थे विभिन्न प्रकार के विभागों से जो खर्च के अनुमान थे उसके आधार पर हमने इसके लिए बजट प्रस्तुत किया। तो ये बातें भी बताई जाती हैं और ये कोशिश किया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए हमें कहाँ से धन अर्जन करना है, कहाँ से राजस्व को प्राप्त करना है तथा आर्थिक संसाधनों और साधनों पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं
अगले वित्त वर्ष के लिए यानी कि फरवरी में जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसे अप्रैल से जो है अगले जो है 31 मार्च तक के लिए प्रावधान हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से बजट के जो मद में जो है प्राप्ति और व्यय के साथ साथ ये भी बातें होती हैं कि गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े और वर्तमान जिसमें प्रस्तुत किया गया है उसके संशोधित आंकड़े और अगले वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें हम राजस्व को प्राप्त करने के लिए, राजस्व को एकत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्ति करने के जो है उपायों इत्यादि पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसे कहा जाता है करारोपण की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से कर लगाने की व्यवस्था, कर में संशोधन की व्यवस्था। तो इस तरीके से बजट के मद के अंतर्गत जो है इस प्रकार की बातें होती हैं। बजट व्यय के प्रकार, बेसिकली बजट से जो व्यय किया जाता है वो संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से व्यय, दोनों में अंतर है। संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से व्यय, संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है वह बेसिकली सदन में रखा तो जाता है, उस पर चर्चा होती है लेकिन उस पर मतदान नहीं किया जाता है, और जो संचित निधि से व्यय किया जाता है वही जो है विभिन्न प्रकार के विभागों से प्राप्त होने वाले अनुदान की मांगों के रूप में होता है, उसे सदन में न केवल रखा और चर्चा किया जाता है बल्कि उस पर मतदान भी किया जाता है, और जब मतदान में उसे स्वीकार कर लिया जाता है तब वह जो है मांग जो है वो अनुदान बन जाता है, और ये समस्त प्रकार के जो है अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरीके से बजट व्यय के प्रकार के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि इसमें दो प्रकार के संचित निधि से और संचित निधि पर, ये दो प्रकार के व्यय यहाँ पर होते हैं। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि संचित निधि पर भारित व्यय का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य, कुछ संवैधानिक पद हैं, कुछ प्रकार की ऐसी व्यय की व्यवस्थाएं हैं जिसपे सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, जिसपे चर्चा नहीं किया जा सकता, जो कि अवश्यंभावी व्यय के अंतर्गत आता है कि उसे किया ही किया जाना है, इसलिए उस पर किसी भी प्रकार का जो है मतदान करके वहां असहज स्थिति बनाने का प्रयास नहीं किया जाता है। जैसे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इसी तरीके से आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि की जो व्यवस्था, इसी के साथ साथ जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इत्यादि के वेतन और भत्ते इसकी श्रेणी में आते हैं। उच्च न्यायालय का पेंशन, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, उच्च न्यायालय का जो वेतन होता है वो राज्यों के जो है निधि से दिया जाता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनकी पेंशन की व्यवस्था भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जाना जो है अंतर है और उसको समझना आवश्यक है। इसके संदर्भ में जो मैटर है, हिस्ट्री मटेरियल है, उसका जो नोट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जो है मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को समझने पर विशेष रूप से जोर देना होगा, क्योंकि जो मैटर है वो तो किताबों में भी लिखा हुआ है, और जो है रेजुकेशन की तरफ से जो है रेजुकेशन एकेडमी की तरफ से आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि टेलीग्राम पर जो है आप लोगों को मिलेगा, उपलब्ध है। तो इस तरीके से जो है भारतीय संचित निधि पर ये हो गया उच्च न्यायालय के पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है पेंशन की व्यवस्था। और एक और व्यवस्था है कि न्यायालय या किसी अधिकरण के द्वारा जो निर्णय दिए गए उसको लागू करने के लिए किसी धनराशि की आवश्यकता है तो वो भी जो है वे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अंतर्गत आएगा और उस पर भी मतदान नहीं किया जाएगा। और साथ में सरकार के ऊपर कोई अगर उधार की व्यवस्था है तो वो इस श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से मिल करके जो है बजट के एक भाग का निर्माण होता है जिसे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कहा जाता है, जो सदन में रखा जाता, चर्चा किया जाता है जिससे कि लोगों को जानकारी हो, परंतु उस पर मतदान नहीं किया जाता है। ये हो जाती है व्यवस्था बजट व्यय के प्रकार, बजट बे के प्रकार। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट निर्माण पर जो है देखेंगे कि बजट का निर्माण किस तरीके से होता है। यद्यपि किताबों में जिस तरीके से बताया गया होता है वो बहुत ही अमूर्त व्यवस्थाएं होती हैं और उसको देखने के बाद समझ में नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा सा व्यावहारिक ढंग से यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि बेसिकली बजट का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। बजट का निर्माण मूल रूप से वित्त जो मंत्रालय है उसके आर्थिक प्रभाग के द्वारा जो बनाया जाता है, और इस रूप में नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
और प्रशासन विभाग के द्वारा उसको सहायता प्रदान किया जाता है। बजट का निर्माण जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके पूर्व में ही जो है तैयारी उसकी प्रारंभ हो जाती है, उसके आंकड़े आने प्रारंभ हो जाते हैं ताकि बजट को प्रस्तुत करने के पूर्व उसकी तैयारी उसका निर्माण किया जा सके। इसलिए हम यहाँ पर पारण को जो है एक अलग पॉइंट में देखेंगे, बजट निर्माण को हम देख रहे हैं। तो प्रशासन विभाग के द्वारा सितंबर माह में ही जो है विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों और विभागों को एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वो 30 नवंबर तक जो है अपने जो है विभाग के अंतर्गत या अपने कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उप विभागों, विभिन्न प्रकार के कार्यालयों से संबंधित जो अनुमानित खर्च हो उससे संबंधित आंकड़े 30 नवंबर तक किसे दे दे, वित्त मंत्रालय को सौंप दे ताकि वित्त मंत्रालय के द्वारा समय रहते हुए उनका जो है संकलन करके उसका कंपाइलेशन किया जा सके और उसके आधार पर एक फाइनल बजट का निर्माण किया जा सके। कब तक, फरवरी तक, ताकि फरवरी नवंबर के बाद जो है दिसंबर जनवरी ये 2 महीने बचते हैं जिस पर बजट निर्माण की प्रक्रिया या बजट को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बजट जो फरवरी में प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी व्यवस्था और तैयारी सितंबर से ही प्रारंभ हो गई है, यानी कि 6 माह पूर्व से सितंबर अक्टूबर नवंबर तक विभाग को काम करना है। उसके बाद अगले 3 महीने दिसंबर जनवरी और फरवरी में मिड तक या जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तब तक जो है वित्त मंत्रालय अपने अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग कैग और इसी तरीके से नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा नीति आयोग के जो है सहयोग से बजट का निर्माण करता है जिसे फरवरी में जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से बजट निर्माण की प्रक्रिया एक लंबी होती है और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विभागों के द्वारा कार्य किया जाता है। इसी तरीके से प्रदेश के भी बजट का निर्माण होता है, विभागों को सूचनाएं आती हैं, जो भी लोक सेवाओं में हैं उनको ये जानकारी सितंबर माह में उनसे बजट के बारे में जानकारी लिया जाता है कि वो अगले वित्त वर्ष में क्या करने वाले हैं, क्या उन्होंने योजना बनाया है जिस पर जो है खर्च आ सकते हैं और उस खर्च के अनुमानित आंकड़े जो है वो अपने प्रशासनिक विभाग को देना होता है और वो विभाग के थ्रू जो है वित्त मंत्रालय को जाता है जहां पर वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से बजट निर्माण की जो प्रक्रिया संपन्न होती है। और अगला पॉइंट होता है बजट पारण की जो है प्रक्रिया, बजट पारण की जो है प्रक्रिया ये मूलतः 6 चरणों में जो संपन्न होता है। बजट का जो है प्रस्तुतिकरण होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण सामान्य वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि इतिहास में ऐसा भी रहा है कि कभी कभी प्रधानमंत्री के द्वारा भी या अन्य मंत्री के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके संदर्भ में कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति में वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसके दौरान वित्त मंत्री के द्वारा उस बजट के सामान्य प्रावधानों से संबंधित एक भाषण दिया जाता है जिसे बजट भाषण कहा जाता है। बजट सबसे पहले लोकसभा में और पुनः जो है राज्यसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुतिकरण के जो है कुछ समय बाद उस पर जो है आम बहस होता है। इस पर 3-4 दिन तक उसके सभी प्रकार के जो है प्रावधानों और बिंदुओं पर जो है चर्चा किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और वित्त मंत्री के द्वारा उस पर जवाब भी दिया जाता है। इसीलिए बीच बीच में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद जो है कुछ बिंदुओं को लेकर के विरोध, हंगामे इत्यादि भी सदन में देखे जाते हैं। आम बहस होता है, उसके बाद जो है विभागीय समितियां हैं। विभागीय समितियां, इसके बाद आम बहस के बाद सदन को 3-4 सप्ताह के लिए जो है स्थगित किया जाता है और बजट पर जो है विभागीय समितियों के द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है, सभी बिंदुओं को जो बारीकी से देखा जाता है और पुनः जो है उस पर जांच पड़ताल के बाद विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट जो है सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सदन में प्रस्तुत करने के बाद जो है अनुदान की मांगों पर जो है मतदान होता है, अनुदान मांग पर जो है मतदान, अनुदान मांगों पर जो है मतदान होता है। जैसा कि जानकारी है कि अनुदान की जो मांगें होती हैं वो विभिन्न प्रकार के विभागों के कार्यालयों की योजनाओं के खर्चों के आंकड़ों पर आधारित होती है
और वही मांग होती है, उस मांग को जो मंत्रालयवार सदन में विचार किया जाता है और मतदान के लिए रखा जाता है, जब मतदान में उसे स्वीकार कर लिया जाता है तब वो जो ये मांग है वो अनुदान बन जाता है, यानी कि डिमांड जो है वो ग्रांट में जो चेंज हो जाती है, और यही ग्रांट जो है विभिन्न प्रकार के विभागों को बाद में खर्च करने के लिए मिलती है। और बाद में ये कहा जाता है कि वर्तमान समय में ग्रांट नहीं है या ग्रांट आ गई है, तो इसका तात्पर्य इसी जो मांग की गई थी उसी के रूप में होता है, जो कि सामान्यतः विभागों में दिखाई पड़ता है। तो ये जो है अनुदान की जो मांगे हो जाती है, जब अनुदान की ये समस्त मांगे जो है स्वीकार कर ली जाती है, इसके लिए सामान्यतः 26 दिन का समय दिया जाता है कि इसमें जो है मतदान किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए, और अंतिम दिन में चाहे वो चर्चा रहित हो या चर्चा सहित हो सभी मांगों को रखा जाता है, उसे स्वीकार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी सदन की कार्यवाही के लिए होता है, ग्लिपिंग जिसको कहा जाता है कि एक बार में सब पर जो है चर्चा करके एक ही साथ जो है सबको पारित कर दिया जाता है। तो ये होता है अनुदान की मांग पर जो मतदान और उसे स्वीकार करना। अगला होता है विनियोग विधेयक, अगला होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित होता है, तो यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से 6 है वित्त विधेयक। ये 6ठा है वित्त विधेयक। तो ये 6 प्रकार की बजट पारित करने की जो प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के अंतर्गत जो है इसका जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 114 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि विनियोग विधेयक पारित किए बगैर जो है किसी भी प्रकार के खर्च जो है संचित निधि से नहीं किया जा सकता है। तो ये जो अनुदान की मांगे हैं विभिन्न प्रकार के विभागों से जो मांगे की गई थी जिसे स्वीकार करके अनुदान बनाया गया था, उन सभी का जो है संकलन किया जाता है और उसे विनियोग विधेयक के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, और उसके पास होने के बाद ही, पारित होने के बाद ही संचित निधि से खर्च करने के लिए धन प्राप्त हो पाता है। इसके अलावा वित्त विधेयक भी होता है, सरकार के जो वित्तीय प्रस्ताव होते हैं उसे क्रियान्वित करने के लिए जो है वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि विनियोग विधेयक के संदर्भ में व्यवस्था इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तन और संशोधन की भी व्यवस्थाएं होती है वित्त विधेयक के संदर्भ में, जिसमें जहां पर 26 दिन का समय होता है यहाँ पर इसी तरीके से 75 दिन को इसको लागू करने के लिए 75 दिन का समय दिया जाता है, और वित्त विधेयक को जो है सरकार के सभी वित्तीय प्रावधानों को, वित्तीय प्रस्तावों को पारित करने, लागू करने के लिए जो वित्त विधेयक वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस तरीके से बजट पारण की जो प्रक्रिया है वो मूल रूप में जो है प्रस्तुतिकरण, आमभास, विभागीय समिति, अनुदान, मांग, मतदान, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक के रूप में संपन्न होता है। तो इस रूप में जो है जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है तो वो माना जाता है कि बजट को जो है पास कर दिया गया है। तो विनियोग विधेयक का पास होना ही जो है सरकार को ये अधिकार प्रदान करता है कि अब वो संचित निधि से उतनी धनराशि जितने के लिए जो है अनुदान की मांग की गई है वो जो है बजट को प्रावधान के रूप में आवंटित कर सकता है, जहाँ पे उसकी आवश्यकता है उसे खर्च करने का अधिकार तब प्राप्त होता है। इसे रिप्रोप्रिएशन बिल भी कहा जाता है। कुछ और व्यवस्थाएं हैं जिसे संक्षिप्त रूप में समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में अत्यंत ही तकनीकी प्रकार के हैं जिसको देखना समझना आवश्यक है। अनुच्छेद 115, जैसे 114 के अंतर्गत हम लोगों ने किस पे चर्चा की, विनियोग विधेयक पे, अनुच्छेद 115 में है ये व्यवस्था, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक, अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अनुपूरक किसी भी जो है योजना के लिए, किसी भी विभाग के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है उसमें कमी हो जाती है तो उसके लिए जो है जो मांगे रखी जाती हैं वो अनुपूरक मांग के रूप में कही जाती हैं। अतिरिक्त मांग, अगर कोई नया कार्यक्रम योजना प्रारंभ कर दिया जाता है तो उसके लिए धनराशि की आवश्यकता हो जाती है, तो उसके लिए अतिरिक्त मांग रखी जाती है। और अधिक का मतलब यह है कि अधिक खर्च होने से, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी विभाग के लिए, किसी भी योजना के लिए जो धन या बजट का प्रावधान किया गया उससे ज्यादा खर्च हो जाता है तो अधिक
अनुदान की मांग रखी जाती है और ये पूरक अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान की व्यवस्था अनुच्छेद 115 के अंतर्गत किया गया है, 116 के अंतर्गत किया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लेखानुदान, उसमें दो और प्रावधान किए गए, लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। लेखानुदान प्रत्यानुदान, लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादा, लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। लेखानुदान एक विशिष्ट समय के लिए या जैसे बजट पारित होने में किसी कारण से देरी हो रहा है या चुनावी वर्ष जब हो, जब बजट की आवश्यकता हो और बजट पारित ना हो पा रहा हो, तो उस समय जो है लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है ताकि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए बजट प्राप्त हो सके। ये सामान्यतः 2 महीने के लिए, बजट के 1/6 भाग, तो बजट का 1/6 भाग तो 2 माह के लिए होगा, उसके लिए जो है यहाँ पर प्रावधान के रूप में लेखानुदान कहा गया है। और ये है प्रत्यानुदान, ये आकस्मिक स्थिति में सरकार के समक्ष अगर कोई खर्च आ जाता है तो इसे प्रत्यानुदान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लैंक चेक भी कहा जाता है कि कार्यपालिका को ये दिया गया संसद की तरफ से एक ब्लैंक चेक है जिसके माध्यम से आकस्मिक रूप से आने वाले खर्चों को निपटाया जाता है। अपवादानुदान का मतलब यह है कि पूर्व की कोई योजना है जिसके लिए प्रावधान बजट का नहीं किया गया और उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो अपवादानुदान प्रस्तुत किया जाता है। तो इस रूप में हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण है, 13 के अंतर्गत जो है ये जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे प्राक्कलन, उसको कहा जाता है आकलन या अनुमान, प्राकलित अनुमान किसी भी विभाग के जो व्यय होते हैं भारत की संचित निधि पर, भारत व्यय और भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय, तो वो प्राकलनों में ऐसे प्राकलन जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और प्राकलनों में ऐसे प्राकलन जो भारत की संचित निधि से व्यय किए जाते हैं, तो प्राकलनों के संदर्भ में अनुच्छेद 113 के अंतर्गत है। और प्रावधान 114 के अंतर्गत अनुच्छेद विनियोग विधेयक के संदर्भ में, 115 के अंतर्गत अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान है और 116 के अंतर्गत लेखानुदान प्रत्यानुदान और अपवादानुदान है। 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक के संदर्भ में प्रावधान, जो कि हम लोग पिछले कक्षा में पिछले ही जो लेक्चर में देख चुके हैं। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बजट के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधान, बजट के जो मत क्या है, बजट व्यय के क्या प्रकार है, बजट निर्माण की प्रक्रिया का एक व्यवहारिक रूप आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया कि 6 महीने पहले सितंबर में किस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो है विभागों को एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो जाता है। 3 महीने के अंतर्गत वो अपना सारा डिटेल देते हैं, अगले 3 महीने में बजट का निर्माण होता है, पुनः बजट की प्रस्तुतिकरण और पारित होने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये देखा कि बजट पर हम लोगों ने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है अध्ययन किया। तो बजट के बारे में आप लोगों को निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा, इसके बारे में एक सामान्य समझ विकसित होगी। पुनः हम संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो संसद का टॉपिक है उस पर चर्चा डिटेल में आगे करते रहेंगे और अगले क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट बजट के बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान जो कि संसद से ही संबंधित है वो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपने संपूर्ण सिलेबस के साथ साथ इस टॉपिक का भी जो अध्ययन करते रहिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।